हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर कई बार आपके साथ ये भी समस्या आती है कि आप गोडाउन का नाम प्रिंट नहीं कर पाते। जब भी बात आती है गोडाउन का नाम प्रिंट करने की, तो उसमें सेटिंग करना जरूरी है। अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे तो गोडाउन का नाम प्रिंट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक कंपनी हम चूज करते हैं, जैसे यहाँ पर यही कंपनी हम चूज कर लेते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं ये हमारी कंपनी है। और अगर इसमें गोडाउन का एक्टिवेशन करना है तो हमें कहां जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है गोडाउन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है गोडाउन, तो आपको डबल क्लिक करना है गोडाउन पे। और जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर ये ओपन हो जाता है। अब यहां पे मेन लोकेशन आ रहा है, तो क्लिक करिएगा इस पे या फिर आप सीधा एंटर कर दीजिएगा, तो यहां पे मेन लोकेशन ये बना हुआ है। और इसमें जो है एंटर करिए और यहां पर क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मेन लोकेशन के अंतर्गत एक गोडाउन हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है देवरिया, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर कर लेंगे, तो ये पहला गोडाउन हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये मेन लोकेशन के अंतर्गत देवरिया गोडाउन बन गया। और इसके अंतर्गत हम जो है अल्ट सी करके एक और गोडाउन बनाएंगे जिसका नाम है न्यू कॉलोनी, ठीक है। तो बनाना और फिर इसको प्रिंट करने पर गोडाउन का नाम भी प्रिंट हो, ये भी काफी जरूरी है। तो ये दो हो गया, ठीक है, मेन लोकेशन के अंदर में दो गोडाउन बन गए हैं, एक न्यू कॉलोनी दूसरा देवरिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं, एक एंट्री करते हैं, वी बटन प्रेस करते हैं और एंट्री करने के लिए हम चलते हैं कहां, पहले परचेज में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने परचेज में एंट्री किया और यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर परचेजिंग हो रही है। और यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। यहां पर आपका जीएसटी आई एन आएगा, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। और यहां पर जैसे ही आते हैं तो कोई एक स्टॉक आइटम, जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप ही है, तो लैपटॉप किसी गोडाउन में रखा हुआ है, काफी सारे लैपटॉप की संख्या है, तो जैसे मान लीजिए 500 लैपटॉप हैं, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे ही आप आते हैं लैपटॉप यहां चूज करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां गोडाउन का नाम आपको देना होता है। तो कौन से गोडाउन में आपको डालना है, तो यहां पर हम न्यू कॉलोनी गोडाउन में 500 लैपटॉप रखने वाले हैं। तो यहां पर ये देख लीजिए, ये 500 लैपटॉप हमने रख दिए, ठीक है। इसी तरीके से फिर लैपटॉप की बात करेंगे और इस बार गोडाउन चेंज रहेगा, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब इस बार देवरिया गोडाउन कर देते हैं। तो ये देवरिया गोडाउन में 400 लैपटॉप रहेंगे और यहाँ पर कीमत वगैरह सब कुछ आ गई है, देख सकते हैं किस तरीके से। और अब नीचे जीएसटी की बात आएगी, तो सीजीएसटी लग गया, देन एसजीएसटी लग गया। और एंटर करते हुए आप चाहे तो ई वे बिल भी दे सकते हैं, तो फिलहाल इसमें ई वे बिल हम नहीं दे रहे हैं। एंटर करते हैं द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो प्रिंट आउट देखने की बारी आएगी। तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस कीजिएगा गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद, और ये लास्ट वाला 4 नंबर का हमारा बिल है, एंटर करेंगे और ऑल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आई बटन प्रेस करेंगे। पहले चेक करते हैं कि गोडाउन का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला तो सवाल हमारा यही बनता है कि गोडाउन का नाम क्या प्रिंट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर गोडाउन का नाम आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है गोडाउन नेम न्यू कॉलोनी देवरिया और यहाँ पे देवरिया, ठीक है। अगर आपके में ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आएगा, कॉन्फिगर पे जाना है आपको, ठीक है। जैसे कॉन्फिगर पे जाते हैं तो यहां पर चेक कीजिएगा, इसमें गोडाउन आएगा, शो मोड पे क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे शो मोड पे क्लिक करते हैं तो यहां पर अब नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद यहां पर दिया हुआ है शो गोडाउन नेम, तो इसको यस रखना है। अगर ये नो हो गया तो गोडाउन का नेम प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए यहां पर अब गोडाउन का नाम नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहां पर नाम गायब है। लेकिन अगर यही यस कर देंगे, जैसे यहां पर आए और यहां से सी प्रेस करते हैं कॉन्फिगर के लिए और गोडाउन का नाम जो है यहां से यस कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि गोडाउन का नाम भी प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। देखिए अब गोडाउन का नाम भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप गोडाउन का नाम प्रिंट कराना चाहें तो आसानी के साथ प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।